वैज्ञानिकों के द्वारा किए जाने वाले प्रयोग, जांच और पड़ताल बहुत उपयोगी और जरूरी होते हैं, क्योंकि उसी की वजह से कई महत्वपूर्ण प्रश्नों के जवाब मिलते हैं और कई नए क्षेत्र खुलते हैं। जब मानव जीवन को उच्चतम बनाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं तो इन प्रयोग के दौरान कई अन्य जीवों को अपना जीवन गंवाना पड़ता है। जब कोई जीव ऐसा पाया जाए जिसमें कुछ अलग, कुछ विशेष बात हो तो कई बार उसकी जाँच की जाती है ताकि पता चल सके कि उसमें वो अलग या विशेष बात क्यों है। कुछ ऐसा ही जीव पाया गया था जिसकी विशेष बात ये थी कि वो दुनिया का सबसे लंबी उम्र का जीव था। दुनिया में सबसे ज्यादा उम्र तक जीने वाले जीव में वैसे तो कछुए को बताया जाता है, ये बात आपने भी जरूर से सुनी होगी। कछुए की उम्र 150 साल से भी ज्यादा मानी जाती है। सबसे अधिक वर्षों तक जीने वाला कछुआ हनाको कछुआ था, जो कि लगभग 226 वर्षों तक जीवित रहा था। कछुओं के अलावा अमेरिकी केकड़े की उम्र भी बड़ी लंबी होती है, तकरीबन 140 साल तक। लेकिन जिस जीव के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा उम्र दराज था, वो न तो कछुआ था न ही अमेरिकी केकड़ा। दरअसल साल 2006 में आयरलैंड के किनारे से एक जीव मिला था। वो जीव था स्नेल, जिसे हिंदी में घोंघा या फिर शंबुक भी कहते हैं। स्नेल की शेल यानी कि उसके कवच पर साल दर साल एक लाइन बनती जाती है। जो घोंघा साल 2006 में मिला था, उसके कवच पर बनी लाइन की गिनती पर से पता चला था कि उस घोंघा की उम्र 405 साल थी, यानी वो 405 साल से जी रहा था। लेकिन बाद में जब पूरी जांच खत्म हुई तो सही से उस लाइन की काउंटिंग के बाद पता चला कि उसकी असली उम्र 507 साल थी, यानी वो स्नेल, वो घोंघा साल 1499 में जन्मा था। उस वक्त चाइना में मिंग राजवंश का शासन था, इसलिए उस घोंघा का नाम मिंग रखा गया। इसके अलावा आयरलैंड के रिसर्चर के द्वारा उसका एक और नाम रखा गया, वो नाम था हेफरून, जिसका मतलब होता है द मिस्ट्री ऑफ द ओशन, यानी समंदर का रहस्य। इस सब में दुख की बात ये हुई थी कि उस जीव के कवच की अच्छे से जांच करने के दौरान वैज्ञानिकों से गलती से उस घोंघा की जान चली गई थी, और इसीलिए अब तक का सबसे लंबी उम्र जीने वाला जीव नहीं रहा। आज की ये वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। आपको ये जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं।